इसका टेक्निक बहुत अलग है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाली रूम है, तो उन्हें अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूम मिलता है, बहुत ज्यादा फेमस होती है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है जर्मनी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपड़े इन जर्मनी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं जर्मनी के घर कैसे होते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस घर के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर हमारा घर है। तो अगर हमें सबसे पहले, अगर आप कोई हमारे घर पे आता है तो अगर उनको डोरबेल बजानी है तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आओगे तो हमेशा मेन डोर ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि अगर मोस्टली अपार्टमेंट है, बहुत सारे बिल्डिंग जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, तो अगर एक वॉल कंपाउंड होती है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो जर्मनी में ऐसे नहीं होता है। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आपकी जो बिल्डिंग है उसका एक बस मेन डोर रहेगा, वो भी आप देखोगे कि ग्लास का है नॉर्मल। तो यहाँ पर बहुत सारे आप स्विचेस देख सकते हो। तो इसके ऊपर क्या होता है कि जो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके नाम का यहाँ पर स्टिकर लगा होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जैसे हमारा घर है, तो हम अगर ये बटन प्रेस करते हैं तो एक्चुअली घर के अंदर एक कॉल बेल होती है, वहाँ पे फोन रिंग होता है और यहीं पे एक स्पीकर है, तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं सीधा। तो वो अगर वो बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद ही जो है ये मेन डोर ओपन होता है, अदरवाइज ये डोर जो है हमेशा के लिए लॉक रहता है। तो ये एक लाइट की बटन भी यहाँ पर होती है, तो अगर आप ये बटन दबाते हो तो जो स्टेयर्स के ऊपर की लाइट है वो सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। उसी के बाद यहाँ पर देखोगे आप इस साइड पे भी है। तो जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे जर्मनी में, लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत है। हर चीज़ के लिए आपके घर पे जो है वो लेटर आएगा, पोस्ट आएगा, तो उसके लिए हर किसी के नाम का यहाँ पे एक पोस्ट बॉक्स होता है। जर्मनी में अगर आप रहते हो तो आपको हमेशा जो है वो आपका लेटर बॉक्स चेक करते रहना पड़ता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बाइसिकल पार्किंग का क्या सिस्टम है। तो जो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है, इसी के बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड है, और आपकी बाइसिकल्स पार्क करने के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट दी है। आपको जो है वो आपका आगे वाला पहिया इसके पास लगाना है और आप आपकी जो बाइक है लॉक करके रख सकते हो। इसी के साथ साथ एक और पार्किंग भी होती है जो कि आपके बिल्डिंग के नीचे होती है। तो फटाफट मैं आपको अभी वो पार्किंग दिखा देता हूँ कि बिल्डिंग के बाजू वाले साइड से ही जो है वो आपका बाइसिकल का पार्किंग है अंडरग्राउंड जो है। और आप अगर यहाँ पर देखोगे तो लोगों के लिए जाने के लिए स्टेयर्स बनाई है, और अगर आप आपकी बाइसिकल लेकर आते हो तो इसके लिए एक स्लोप भी बना है जिसके ऊपर से आप आपकी बाइसिकल आसानी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हो। तो ये एक छोटी सी रूम है, तो यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बाइसिकल पार्क करके रखी है, और जितने भी बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनके पास हर किसी के पास एक चाबी होती है इस डोर की, सो दैट वो जो है वो आकर जब चाहे वो अपनी बाइसिकल यहाँ पर रख सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी एक स्विच है, अगर आप आते हो तो वहाँ से आप जो लाइट है वो ऑन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप इस साइड से आते हो तो इस साइड पे एक केलर होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। केलर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है जर्मनी में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस साइड से आते हो तो यहाँ पर भी एक स्विच है। तो ये दरअसल एक जगह है, इसका नाम ही है वो केलर। तो एक्चुअली ये स्टोरेज रूम होती है, तो हर अपार्टमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट ऐसे कंपार्टमेंट बनाए होते हैं। तो अगर मैंने डोर ओपन कर दिया, अगेन यहाँ पे इन्होंने स्विच दी है, तो ये अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ की लाइट ऑन हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी बिना काम की चीज़ें हैं या फिर आपको घर में जो यूज़ ना होने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लाकर रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, तो जर्मनी में हर घरों में होती है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी कंट्रीज में भी होती है या नहीं। और उसी के साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक रूम है, यहाँ पे अगर आप आपके कपड़े सुखाते हो तो जर्मनी में यूजुअली क्या होता है कि जब ठंडी के दिन होते हैं तो कपड़े जो है वो यूजुअली सूखते नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों के घर पे जो है वॉशिंग मशीन के साथ साथ एक ड्रायर भी होता है, तो वहीं पे वो कपड़े सुखाते हैं। लेकिन अगर आपके कोई बड़े कपड़े, अगर आप ब्लैंकेट्स वगैरह धोते हो और उनको अगर सुखाना है, तो इस तरीके से एक रूम भी होती है जहाँ पर आप आपके जो है वो कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, तो अगर आपके अपार्टमेंट में आप रहते हो तो अपार्टमेंट में एक नीचे के ही साइड में जहाँ पे सारे अपार्टमेंट वाले के जितने भी फ्लैट्स हैं उन सबका मीटर लगा होता है, तो वही रूम यहाँ पर भी है, सेम फैसिलिटी है। तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाली रूम है। तो ये वो बॉक्सेस है जिसके अंदर यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने इसके अंदर सारे जो है वो मीटर्स फिट किए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मीटर्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया जैसे होते हैं वैसे ही है। तो जो मेन डोर हमने आपको देखा है, तो मेन डोर के साइड में ही यहाँ पर आप एक बॉक्स देख सकते हो, तो ये दरअसल डस्टबिन है। तो इसके लिए भी अगर आपको आपका घर का कचरा डालना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक लॉक है, उसकी की से आपको उसको ओपन करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर कचरा डंप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कार गैरेज की पार्किंग कैसे होती है। तो ये है हमारा मेन एंट्रेंस, और अगर आप इस साइड पे आओगे तो यहाँ पर दरअसल एक गैराज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये गैराज है। तो ये जो है ये हर अपार्टमेंट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है थोड़ा सा जो कार पार्किंग का सिस्टम होता है। तो लेकिन अभी ये अपार्टमेंट में जो है जो सबसे बड़ा अपार्टमेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके लिए सेपरेट गैराज यहाँ पर दिया है। लेकिन नॉर्मल सा गैराज है, ये जो शटर है ये ओपन होता है और उसके अंदर जो है आप आपकी कार पार्क कर सकते हो। और बाकी जो फ्लैट्स लोग हैं उनके लिए जो है वो बेसमेंट में एक अलग सेपरेट कार के पार्किंग है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन स्टेयर से नीचे आने के बाद
आप यहाँ पर देख सकते हो ये है कार पार्किंग का गैराज। तो यहाँ पर देख सकते हो लोगों ने अपनी जो कार है वो पार्क करके रखी है। तो अभी मैंने जो आपको कार पार्किंग दिखाई उसका जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो यहाँ से है। तो जब भी कोई कार लेकर आता है उसके पास भी अगेन एक की होती है, उस की से उसको यहाँ से अनलॉक करना है और उसके बाद जो है ये स्विच है ये उसको प्रेस करनी है। ऐसा करने के बाद ही जो आप देख सकते हो जो एंट्री वाला शटर है वो ओपन ऑटोमेटिकली ओपन होता है और उसके बाद ये एंट्रेंस का है और सेम अंदर से एक सिस्टम रहेगा, वहाँ पे जो है आपको बटन प्रेस करनी है, उसके बाद ही इस साइड वाला डोर ओपन होगा सो दैट आप जो भी पर्सन है वो वहाँ से अपनी कार बाहर लेकर आ सकता है। तो ये एंट्री का हो गया, उसके बाद एग्जिट। और इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रोड जा रही है, तो इस रोड से अगर हम जाएंगे तो जो अपार्टमेंट का जो प्लेग्राउंड होता है या फिर छोटा सा गार्डन है वो है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ का जो पार्क है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी सैंड डाली है, लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस लगा है तो बच्चे यहाँ पर सैंड में खेल सकते हैं। अब इस साइड का अगर पार्क देखोगे तो यहाँ पे थोड़े से झूले वगैरह लगे हैं, उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए और भी एक दो चीज़ें लगी है। तो यहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड है तो यहाँ पर लोग फुटबॉल या फिर अगर आपके पास बैडमिंटन वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर खेल सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट मैं आपको लेकर चलता हूँ घर के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि जर्मनी का घर अंदर से कैसे होता है। हेलो हेलो या इट्स रजत। ओह रजत हाय वेलकम। डोर के बाजू में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बोर्ड लगा है, तो ये दरअसल नोटिस बोर्ड है। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस वाली या फिर अपार्टमेंट की सोसाइटी होती है तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई नोटिस है तो यहाँ पर चिपका देते हैं तो आने जाने वाले लोग उसको पढ़ सके। एंट्री डोर के बाजू में ही आपको जर्मनी के हर घर में एक इस तरीके से बटन दिखेगी, वो यहाँ पर भी होती है और उसी के साथ साथ हर फ्लोर पर एक बटन होती है और उस बटन को आप अंधेरे में भी देख सको, इसके लिए उसके ऊपर हमेशा लाइट जलती रहती है। अगर आप ये बटन दबाते हो तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली सारे जो स्टेयर केस की लाइट्स है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीन डोर है, मतलब ये फ्लोर पे तीन अपार्टमेंट है। तो अभी हर फ्लोर पे मैंने जैसे बताया तीन डोर्स के बाद यहाँ पे एक बटन है, तो ये अगर मैं दबाता हूँ तो लाइट्स ऑन हो जाएंगे। और बाकी अगर आप बटन देखोगे तो ये दरअसल डोर बेल है। हाय हाय। तो ये है घर की एंट्रेंस। आप अगर एंट्रेंस में देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर वो फ़ोन है जिस पर से जो भी पर्सन अंदर होता है वो बात कर सकता है, तो ये वो फ़ोन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको कुछ सामान रखना है शूज़ वगैरह उसके लिए स्टैंड है, या फिर अगर आपको आपके जैकेट वगैरह हैंग करने उसके लिए भी है। देन अगर डोर की बात की जाए तो यहाँ पर बाहर कोना है वो देखने के लिए है, यहाँ पर एक लॉक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा ये भी एक लॉक ही है, तो दरअसल अगर आप इसको लॉक करते हो तो इसमें से एक बड़ा सा मेटल का रॉड जो है वो यहाँ जाता है और डोर जो आपका लॉक होता है। जर्मनी के घरों में ज़्यादातर एक चीज़ कॉमन होती है कि आपका जो एंट्रेंस होता है तो एंट्री में ही जो है वो वॉशरूम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है वॉशरूम, वॉशरूम के साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपकी मेन मास्टर बेडरूम। तो अगर बेडरूम की बात की जाए तो आप ये बेडरूम देख सकते हो, बेड है, उसके बाद यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल रखा है, छोटे दो जो ड्रॉवर्स रखे हैं जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हो। यहाँ पर अगेन जर्मनी के घरों में अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो सीलिंग लैंप होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो जर्मनी के घरों में आपको जो है वो ट्यूब लाइट या फिर जो वाइट कलर के लाइट्स होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ये विंडो देख सकते हो, यहाँ से जो है बाहर का पूरा व्यू आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लैंटेड है, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल विंडो होती है सीधी वैसी नहीं है। और इसको अगर ओपन करने की बात की जाए तो इसका टेक्निक बहुत अलग है, आपको जो है तो इसको जो है इस तरीके से ओपन करना है, उसके बाद जो है वो आपकी विंडो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर भी खड़े होकर बाहर देख सकते हो, अगर बारिश आ रही है तो आपको ये विंडो बंद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ से पानी अंदर आ सकता है। यहाँ विंडो ओपन करने के बाद आप देख सकते हो बाहर का व्यू कितना सुंदर है। ये सेम बाजू वाले से घरों की ये विंडो है और जो हमने अभी आपको पार्क दिखाया था वो यही पार्क है। और अगर इस विंडो को अगर आपने बंद करने की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये विंडो बंद हो जाती है ताकि बाहर की जो लाइट है वो अंदर ना आ सके। और अगेन अगर इस विंडो को बंद करना है तो हमें सेम इसको जो है पुश करना है और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। और बेडरूम में ही आपको यहाँ पर एक हीटर भी देखने को मिलेगा। तो जर्मनी में जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हर रूम में हीटर आपको ज़रूर मिलेगा, और इसके ऊपर जो है वो एक थर्मामीटर भी है, तो आप जो है देख सकते हो कि रूम का टेम्परेचर कितना है और उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व है, तो उससे आप जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। बेडरूम के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है किचन। तो जब हम जर्मनी में घर लेते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ है कि जो आपको किचन है वो पूरा का पूरा एम्प्टी मिलता है। आपको जो है बहुत ही कम घरों में ऐसा मिलेगा कि आपको जो है वो यहाँ का जो हम जिसे किचन का टॉप कहते हैं या फिर जो ये है
ये फर्नीचर सब लगा हुआ मिलेगा। यूजुअली जो है वो पूरी की पूरी एम्प्टी रूम होती है और आपको जो है इस तरीके से पूरा किचन का सेटअप खरीदना होता है और आपको वो लगाना पड़ता है। या फिर मोस्टली क्या होता है कि जो पुराना टेनेंट होता है वो जब अपना घर छोड़ के जाता है, अगर आप रेंट पर घर लेने वाले हो तो उनका जो किचन का सेटअप है अगर वो नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो लेकर खोल कर ले जाना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जर्मनी में, तो जो पुराना टेनेंट है उसी से आप जो है वो खरीद सकते हो सीधा का सीधा। तो यहाँ पर बहुत सारे किचन में स्टोरेज के कैबिनेट्स है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि जर्मनी में जो है वो हम जैसे गैस कहते हैं, जो बर्नर वाला गैस होता है वो यूजुअली नहीं होता है। अभी नए घरों में आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए तो 80% घरों में जो है आपको इंडक्शन ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक का इंडक्शन का ये पैन होता है और इसी से आपको जो है वो आपका जो कुकिंग का काम है वो चलाना पड़ता है। और एक चीज़ जर्मनी में क्या है कि किचन के अंदर ही लोग जो है वो अपनी वॉशिंग मशीन फिट करते हैं, लेकिन इस घर में जो है वो वॉशिंग मशीन यहाँ पर फिट नहीं की है। हमने वॉशिंग मशीन जो है वो बाथरूम में, जो कि बड़ा है, इसलिए वहाँ पर लगाई है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि काम वाली बाई वगैरह नहीं मिलती, बर्तन वगैरह जो है वो खुद ही को धोने पड़ता है, तो उसके लिए जो है जर्मन लोग जो है वो अपने घरों में डिश वॉशर ज़रूर लगवाते हैं। तो ये ज़रा सा डिश वॉशर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप बहुत सारे अपने जो बर्तन है जो भी डेली यूज़ के उसको लगा सकते हो। और उसके बाद अगर आप ये डिश वॉशर चालू कर दोगे तो ये अलग अलग मोड होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन के होते हैं, उसी तरीके से तो ये सारे के सारे बर्तन जो आपके धुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंक है, सिंक में भी ठंडा पानी गर्म पानी 24 आवर्स रहता है, पूरे साल भर रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो अगेन आपको जो है हमेशा गर्म पानी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी किचन में भी जो है आपको हीटर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद विंडो जो है तो वो ऐसी भी ओपन होती है, या फिर यहाँ की जो विंडोज़ है वो ऐसी भी ओपन होती है, इतनी ही ओपन होती है, तो वेंटिलेशन का काम यहाँ पर चल जाता है। उसी के बाद जो चिमनी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक किचन में एग्जॉस्ट का जो आउटलेट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी किचन में अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट है। तो एग्जॉस्ट के लिए जो है इंडक्शन टॉप के ऊपर आपको इस तरीके से एक प्लेट बाहर आएगी, यहाँ पर आप दो स्विच देख सकते हो। अगर ये स्विच मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लाइट लग जाएगी, और उसी के साथ अगर मैं ये स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ का एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा, सो दैट आप जो भी चीज़ें बनाते हो तो वहाँ से जो है धुआं बाहर चला जाएगा। और अगेन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर आप प्लग देख सकते हो, आपको कोई इलेक्ट्रिक अगर डिवाइस लगाना है तो ये जो है अगेन ये 24/7 चालू होती है, इसके लिए कोई अलग से स्विच नहीं होता है जर्मनी में। तो किचन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है हॉल, तो अभी बात कर लेते हैं हॉल की। इससे पहले यहाँ पर और एक चीज़ है इंटरेस्टिंग जो आपको जर्मनी के घरों में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये दरअसल रूम नहीं, एक स्टोरेज के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो, तो जैसे खाने पीने की चीज़ें होगी, आटा दालें वगैरह वो एक्स्ट्रा ले आते हैं वो रख सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हॉल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद ये चीज़ आई, यहाँ से जो है ये स्टेयर से हम ऊपर के रूम में जा सकते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन हॉल में सबसे पहले यहाँ पर है डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पर जो है वो डाइनिंग टेबल रखा है। तो दरअसल ये सारा का सारा फर्नीचर जो है वो इंडिया से लाया गया है, तो बहुत ज़्यादा हेवी है तो और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर जो है अब इंडियन घर है, तो यहाँ पर जो है वो भगवान जी का घर है, जो मंदिर है वो रखा गया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मन लोगों के कल्चर में कैसा है कि अगर वो किसी के घर जाते हैं तो यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि वो या तो वाइन की बॉटल ले जाए या फिर चॉकलेट्स ले जाए। तो ये जर्मन कल्चर है या फिर जर्मन ट्रेडिशन में ये यूजुअली लोग करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है मिनी बार है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। डाइनिंग एरिया के बाद ये है लिविंग रूम जहाँ पर बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर है टीवी, उसके बाद ये है कॉफ़ी टेबल, यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स है, ये विंडोज़ है, और यहाँ से अगेन जो है हमें नीचे वाला जो पार्क है वो दिखता है। इस साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ से हम बालकनी में जा सकते हैं। ये डोर भी जो है मैंने जैसे किचन की विंडो दिखाई वैसी है। अगर आपको वेंटिलेशन के लिए ओपन करना है तो इतना ही आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा ओपन करना है तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो और बालकनी में जा सकते हो। फिर से अगर बात की जाए तो हॉल में भी जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लंबा सा जो है ये पूरा का पूरा हीटर है, उसको भी कम ज़्यादा करने के लिए और टेम्परेचर देखने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर वगैरह दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो चल रहा है समर, उसमें बहुत ही ज़्यादा घर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर कोई चीज़ है तो वो ये है। तो दरअसल ये कूलर है। जर्मनी में क्या होता है ना कि यूजुअली यहाँ के लोग जो है वो एसी वगैरह लगाना पसंद नहीं करते हैं, उनका ये कहना है कि एसी से जो है वो हेल्थ वगैरह थोड़ी सी ख़राब होती है, तो जर्मन लोग एसी नहीं लगाते,
अभी अभी यहाँ पर जो है वो फैन वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी ये जो कूलर यहाँ पर है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी कूलर लगाने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ के जो प्लग होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो प्लग है तो दरअसल जर्मनी के प्लग जो है वो किस इस तरीके से होते हैं और हमारे इंडिया के जो प्लग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो अगर हमें इंडिया का कोई भी अगर अप्लायंस यहाँ पर लगाना है तो हमें यूज़ करना होता है अडैप्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये दरअसल अडैप्टर है। तो ये आगे का पोर्शन जो है वो जर्मनी के प्लग में लगता है और इसमें हमारे इंडिया के प्लग्स लगते हैं। तो अगर हमें कोई भी इंडिया का अप्लायंस लगाना है तो हमें ये अडैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जर्मनी में। कूलर के बाद यहाँ बैठने के लिए जो है ये लेदर का सोफ़ा है। सोफ़ा के बाद अगर ऊपर के रूम में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ तो वहाँ जाने के लिए जो स्टेयर्स है, मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से ऊपर मेरा रूम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा सेटअप है जहाँ पे मैं पेंडेमिक था तब ऑनलाइन क्लासेस करता था। अभी गर्मी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पंखा लगा दिया है जो अच्छा हवा देता है। फिर जब मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ यहाँ तो यहाँ पे मैं चेस खेलता हूँ। तो चेस के बाद मैं अब गिटार सीखता हूँ इसलिए मैं गिटार भी बजाता हूँ। फिर ये है मेरा बेड। जर्मनी में क्या होता है कि बच्चे अगर 7 साल या 8 साल से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूम मिलता है, इसलिए मुझे भी मेरा रूम है तो इसमें मैं यहाँ पे सोता हूँ। तो यहाँ से एक अच्छा सा नज़ारा आता है। तो ये विंडो है वो ऐसे ही नॉर्मल सी खुल जाती है। फिर यहाँ से एक अच्छा व्यू आता है जब सोते हैं, जब कोई लाइट नहीं होती तो अच्छा सा एक व्यू आ जाता है। फिर आता है यहाँ पे एक और एक रूम। ये रूम हमारा स्टोरेज रूम है, मतलब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सामान था तो यहाँ पे है इधर। तो फिर ये ऐसे ही बेड वेड है जहाँ पे मैं खेलता हूँ, यानी कि जंप करता हूँ या ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ है। फिर ये है आयरन स्टैंड जहाँ पे इस्त्री करता है। और फिर ये भी वैसा ही एक विंडो है यहाँ पे ऐसा खोल सकते हो और यहाँ से बाहर देख सकते हो। जर्मनी के घरों में ज़्यादातर एक चीज़ कॉमन होती है कि आपका जो एंट्रेंस होता है तो एंट्री में ही जो है वो वॉशरूम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है वॉशरूम। तो ये है जर्मनी के घरों का वॉशरूम। तो दरअसल वॉशरूम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है, उसके बाद ये वॉश बेसिन है, ये है आपकी WC की सीट। WC की सीट के बाद बाजू में अगर आप देखोगे तो ये है हीटर। अगेन आपको जर्मनी में हर रूम में हर घर में इस तरीके के हीटर ज़रूर दिखेंगे। तो यहाँ पर हीटर भी है। जर्मनी में आपको पता होगा कि जर्मनी के लोग जो है वो हम जो जेट स्प्रे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ नहीं करते। लोग काम होने के बाद जो सुबह सुबह का काम है उसके बाद जो है सिर्फ टॉयलेट रोल यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग तो सिर्फ टिश्यू रोल से काम नहीं चला सकते, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो जेट स्प्रे लगवा लिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पर ये सेंटर हीटर जैसे काम करता है। तो दरअसल आपके घरों में जितना भी गर्म पानी आता है हर नल में तो वो यहीं पे पहले गर्म होता है, यहाँ पे जो है वो हीटर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो तो ये दरअसल आपके वॉशरूम का एग्जॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये है आपके शॉवर, अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये शॉवर है। और नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके का एक टब बना होता है छोटा सा, सो दैट आप जो भी नहाते वक्त पानी जो आता है वो यहाँ से चला जाता है। तो जर्मनी में ना दरअसल क्या होता है कि जो भी आपके वॉशरूम है अगर यहाँ पर कहीं नीचे पानी गिर गया तो उसके लिए कोई भी आउटलेट नहीं होता है, आपको जो है वो पोछा लेके ही उसको पानी को पोछना पड़ेगा। तो ये जो शॉवर है इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाथटब है। तो बाथटब में अगर आपको पानी भरना है तो ये एक कॉक होता है, ये जो है आप इसको जो है उसका आउटलेट बंद कर सकते हो सो दैट पानी जो है बाथटब में भर जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि बाथटब में आउटलेट है पानी का और अगर आप देखोगे तो शॉवर में आउटलेट है, लेकिन जो आपका बाथरूम है उसमें बाकी आपको कहीं भी पानी का आउटलेट नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी अलग बात जर्मनी में हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जर्मनी का घर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जर्मनी के घर कैसे होते हैं इस बारे में पता चले।
साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर हम जॉब, स्टडी और जर्मनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर शेयर करते हैं, तो वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देसी कपलिंग जर्मनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।